जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। दस लक्षण महापर्व आरंभ हो रहा है। दुनिया में और जितने भी पर्व हैं उनका संबंध इस जगत में खाने और खेलने से जोड़ा जाता है। होली पर क्या खेला जाता है, क्या खाया जाता है, दिवाली पर क्या खेलते हैं, क्या खाते हैं, रक्षाबंधन पर, इस हरेक पर्व के साथ खाना और खेलना जुड़ा हुआ है। लेकिन जैन दर्शन के अष्टांग का और दस लक्षण महापर्व, इनका संबंध खाने और खेलने से नहीं, खाना और खेलना त्यागने से है। इसलिए ये पर्व नहीं महापर्व हैं। पर्व दो प्रकार के होते हैं। एक तो कोई व्यक्तियों से संबंधित होते हैं और कुछ पर्व घटनाओं से संबंधित होते हैं। जैसे महावीर जयंती भगवान महावीर के जन्मदिन से संबंधित है, रामनवमी राम के जन्मदिन से संबंधित है, और रक्षाबंधन एक घटना घटी थी उससे संबंधित है। होली वो भी एक घटना घटी थी उससे संबंधित है। जो घटना और व्यक्तियों से संबंधित पर्व अनादि अनंत नहीं हो सकते। क्यों? कि घटना कोई अनादि की नहीं होती, नई घटती है, और व्यक्ति भी नए पैदा होते हैं। दस लक्षण महापर्व ना तो किसी व्यक्ति से संबंधित है और ना किसी घटना से, ये तो आत्मा के निर्मल परिणामों से संबंधित है। इसलिए ना इसकी आदि है और ना इसका अंत है। कोई भी व्यक्ति कितना ही महान क्यों ना हो, वो सारी दुनिया को मान्य नहीं हो सकता। राम को मुसलमान नहीं मानेंगे तो खुदा को हिंदू नहीं मानेंगे, और महावीर को दोनों नहीं मानेंगे, है ना? मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि व्यक्ति से संबंधित पर्व होगा तो वो कुछ लोगों तक सीमित होकर के रह जाएगा, वो सारी दुनिया का पर्व नहीं हो सकता। लेकिन जो आत्मा के निर्मल परिणामों से संबंधित है वो सारी दुनिया के सब लोगों का पर्व हो सकता है। क्यों? ये दस लक्षण महापर्व क्रोधादि विकारों के अभाव रूप जो उत्तम क्षमादि धर्म हैं उनसे संबंधित है। तो गुस्सा क्रोध है, अकेला हिंदुस्तान वालों को ही नुकसानदायक हो ऐसी बात तो नहीं है ना। इराक अफगानिस्तान वालों को भी उतनी तकलीफ दे है ना। ऐसे ही आज नुकसानदायक है और कल फायदेमंद हो जाए ऐसा तो नहीं है ना। तो ये तो हमेशा क्रोधाधिक नुकसानदायक हैं और क्षमाधिक लाभकारक हैं और सभी के लिए। इसलिए ये पर्व सार्वजनिक सार्वभौमिक और सार्वकालिक पर्व है, ये किसी व्यक्ति का नहीं है। भले ही इसे कोई व्यक्ति मनाते हों और कुछ ना भी मनाते हों, लेकिन ये किसी के मनाने और नहीं मनाने से सार्वजनिक नहीं है। ये अपनी प्रकृति से सार्वजनिक है, नेचर से सार्वजनिक है, क्योंकि ये सबका कोई हित की बात करने वाला महापर्व है। ये दस लक्षण महापर्व आत्मा के जो दस धर्म हैं उनसे संबंधित है। वास्तव में वे दस धर्म नहीं हैं। धर्म तो अंदर में एक ही है, उसके दस लक्षण हैं। जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं ना कि बीमारी के इतने लक्षण हैं, है ना?
ऐसे ही अंदर में धर्म पैदा हुआ हो तो उसके कैसे लक्षण प्रकट होंगे जिससे आप पहचान सकें कि असली धर्म अंदर में प्रकट हुआ है। ख्याल में ना, इसलिए मैंने अपनी किताब का नाम रखा है धर्म के 10 लक्षण। लक्षण माने परिभाषाएं नहीं, लक्षण माने जो कोई बीमारी होती है तो उसके बाहर के लक्षण दिखते हैं ना, उससे हम पहचान सकें, पहचान के वे चिन्ह जिससे असली धर्म का स्वरूप समझा जा सके। तो ये आत्मा के भावों से संबंधित होने के कारण सबका है, इसकी उपयोगिता सदाकाल रहने वाली है और ये अनादि अनंत है। ऐसा ये 10 लक्षण महापर्व, जिन 10 धर्मों की चर्चा हम आरंभ करते हैं, तो जब भी कोई बात शुरू करते हैं तो हम नेगेटिव अप्रोच से संबंधित करते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण से बात करते हैं। क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, माया नहीं करना, छल कपट नहीं करना, लोभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, परिग्रह नहीं जोड़ना। क्यों? ये धर्म में नई नई ही है कि नहीं करने का नाम धर्म है? धर्म में कुछ करना नहीं है क्या? धर्म क्या सिर्फ नेगेटिव है, अभावात्मक है? नहीं, धर्म तो भावात्मक है। वास्तव में ये क्रोध नहीं करने का धर्म नहीं है, ये क्षमा धारण करने वाला धर्म है। देखो, जगत में जब हम किसी को ज्ञान की प्रेरणा देते हैं तो ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि अज्ञान मत करो, है ना? कहते लगे ऐसा नहीं कहते हैं कि अज्ञान मत करो, बल्कि ये कहते हैं ज्ञान करो। तो इस उत्तम क्षमा को भी हम क्रोध नहीं करो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्षमा धारण करो ऐसा क्यों नहीं बोलते? अब गुस्सा नहीं करने का नाम क्षमा है, ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? क्षमा धारण करने नहीं, धारण नहीं करने का नाम गुस्सा है। क्यों? धर्म को मुख्य रखो ना। हमने अधर्म को मुख्य रखा तो उसके अभाव को धर्म कहा। अरे भाई, धर्म का अभाव अधर्म है कि अधर्म का अभाव धर्म है? धर्म में आ लग करके अधर्म शब्द बना है, है ना? तो वास्तव में तो क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है। हम बोलते ऐसा है, एक क्षमा के अभाव का नाम क्रोध है, और बोलते ऐसे हैं कि क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है। तो आप कह सकते हैं कि अकेले हम ही थोड़ी बोलते हैं, तुम पंडित लोग भी तो बोलते हो, पर आचार्यों ने भी तो इसी भाषा में लिखा है ना। तो ये उत्तर देते हैं कि आचार्यों के सामने भी एक समस्या थी कि सामने वाले क्रोध से जितनी भली भांति परिचित हैं क्षमा से नहीं है, अभिमान से जितना परिचित हैं मार्दव से नहीं है, नाम ही नहीं सुना, छल कपट से जितना परिचित हैं आर्जव से नहीं है, आर्जव का नाम ही नहीं सुना। तो एक नियम है दुनिया का कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। जो वस्तु ज्ञात होती है, सबको मालूम होती है, उससे हम जो मालूम नहीं होती है उसकी तरफ जाते हैं। आप मेरे से पूछें कि टोडरमन स्मारक से गांधी स्टैचू कितनी दूर है, तो मैं आपको क्या बताऊं? फिर तो मैं कहूँगा
कि आपके मंदिर से नेहरू पुतला जितनी दूर है उतनी दूर, क्यों? तो आपने ऐसा क्यों नहीं बोला कि जितना नेहरू पुतला यहाँ से दूर है उतना वो है? अरे भाई, आपको नेहरू पुतला की दूरी मालूम है, रोजाना आप चलते फिरते हैं, और वो आपने अभी जानी नहीं है। तो जो ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं, क्रोध आदि विकारों से न केवल हम परिचित हैं, भरपूर करते भी हैं। उसके तो हम सब चक्रवर्ती हैं, कोई कमी है किसी में? तो इसलिए आचार्यों ने हमें प्रसिद्ध जो बात है जगत को, उसके जरिए ये बात समझाई। हमारे घरों में भाषा बालकों की चलती है और भाव माँ बाप का चलता है। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं आप जब अपने 5 बरस के बेटे से कहते हैं कि मम्मी को बुलाना, तो वो किसकी मम्मी को बुलाता है, तुम्हारी के अपनी है? और हम भी किसको बुलाना चाहते हैं? जब उससे कहते हैं मम्मी को बुलाना, तो हम अपनी पत्नी को बुलाना चाहते हैं। और जब हम कहते हैं कि दादी को बुलाना हम ना, तब वो हम अपनी पत्नी को बुलाना चाहते हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि बच्चों की भाषा में ही घर में बात चलती है। बच्चों के मामा को हम भी मामा कहने लगते हैं, होता कि नहीं होता है? लेकिन भाषा भले ही बच्चों की चले, लेकिन भाव हमेशा बड़ों का चलता है। भाषाओं पर श्रोताओं का अधिकार है, लेकिन भाव पर वक्ता का अधिकार है। हमें जो समझाना चाहते हैं उसे हमें आपकी भाषा में समझाना पड़ेगा, अन्यथा आपकी समझ में नहीं आएगा। समय सार में लिखा ना, अनारी भाषा के बिना समझा न सकें अनारी को, है ना? ऐसे ही, लेकिन समझाना तो वो चीज है जो हम आपको समझाना चाहते हैं। तो भाव होता है वक्ता का और भाषा होती है श्रोताओं की, तो उनकी तरफ से हमें बात करना पड़ती है। तो इसलिए आचार्यों ने हमें क्रोधादि के माध्यम से उत्तम समाधि को समझाया। ये तो समझने समझाने की बात हुई, होने जाने की बात नहीं है, है ना? क्षमा आत्मा का स्वभाव है, और वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। इस हिसाब से क्षमा आत्मा का स्वभाव है, लेकिन क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो क्रोध के अभाव रूप पर्याय प्रकट होती है, उसे भी क्षमा कहते हैं। मूल क्षमा तो कौन हुआ? वो स्वभाव। और स्वभाव के आश्रय से जो क्रोध के अभाव रूप पर्याय प्रकट हुई, तो उसको भी क्षमा नाम का धर्म बोलते हैं। और उसके साथ में जो उत्तम शब्द लगा है ना, उत्तम क्षमा, वो बढ़िया बढ़िया और अच्छी और बुरी क्षमा क्या होती है? कहते सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। सम्यक दृष्टि की क्षमा ही वास्तव में उत्तम क्षमा है। क्यों? क्योंकि उसकी क्षमा वो विवेक पूर्वक हुई है, और अज्ञानी की क्षमा वो लौकिक लाभ की दृष्टि से और विकल्पों की दृष्टि से होती है। देखिए, मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ और इतने में एक आदमी खड़ा होकर अनाप शनाप बात करने लगे, कुछ थोड़ा हम उसे रोकें
तो गालियां बकने लगे, फिर क्या होगा? हम सब शांत रहेंगे, पंडित जी भी शांत रहेंगे, क्यों? उनके पास तो स्पीकर है, उससे बढ़िया जवाब दे सकते हैं। गालियां देना किसे नहीं आता है, कहीं सीखने जाना पड़ता है, उसमें एमए पीएचडी करना पड़ता है, दे सकते हैं ना। यदि वो गाली नहीं देते हैं तो क्या सोच के नहीं दे रहे कि अभी मैं कुछ बोलूँगा, गुस्सा करूँगा तो सब लोग कहेंगे कि कैसे पंडित जी हैं और मेरी बदनामी होगी, है ना। और यदि मैं शांत रहूँगा तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, सब लोग कहेंगे देखो उसने कितनी कितनी गालियां बकी, लेकिन इनके चेहरे पर एक रेखा तक नहीं खींची, बिल्कुल शांत मुस्कराते रहे। यदि मैं इस भावना से शांत रहूं और मुस्कराता रहूं तो वो क्षमा नाम का धर्म नहीं होगा, समझ में ना। लेकिन मैं ये सोचूं कि भाई ये तो बेचारा क्रोध की अग्नि में जल रहा है, इसलिए ये सारी बातें निकल रही हैं, इसके कहने से मैं थोड़ी कुछ हो जाऊंगा, मैं तो जैसा हूं वैसा ही हूं। यदि मेरे में खराबी आए तो मुझे चिंता करना चाहिए, ख्याल में है ना। तो वो होगा धर्म, क्योंकि मैंने तत्व के चिंतन के आधार पर क्रोध नहीं किया, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। जगत के जीव तो जगत की परिणति वाले होंगे, सभी मेरे ही मान्यता जैसे हो जाएं ये कोई जरूरी नहीं है। इस जगत में भगवान महावीर को भी गालियां देने वाले मिलते हैं, मैं कौन से खेत की मूली हूँ, क्यों? ऐसा तत्व ज्ञान का विचार करके विचार करें तो वो क्षमा होगी। क्षमा का आधार क्या है, इसके आधार पर वो हमें निर्णय करना पड़ेगा। देखो भाई साहब, जब क्रोध के अभाव का नाम ही क्षमा है तो एक दफे हमें क्रोध को समझ लेना चाहिए कि ये क्रोध क्या चीज है। कैसा, हम क्रोध भी नहीं समझते? हमने तो आपको उत्तम क्षमा समझाने के लिए बुलाया है और आप हमें क्रोध समझाने लगे कि भाई साहब हम तो क्रोध रोजाना करते भी हैं, और आप कहते हो हम आप हमें क्रोध समझाएंगे। भाई साहब, सच्ची बात ये है कि यदि हम गहराई में जाके देखें तो क्रोध भले ही करते हों, लेकिन क्रोध का वास्तविक स्वरूप क्या है हम ये नहीं समझते। क्रोध कई रूपों में व्यक्त होता है, जिन रूपों को हम क्रोध मानना को तैयार ही नहीं होते हैं। बैर क्रोध का एक ऐसा ही रूप है जिसे सारी दुनिया क्रोध मानने को तैयार नहीं है। तो क्रोध और बैर में अंतर क्या है, इस बात को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, नाम सुना कभी? वो ऐसे विद्वान थे कि इंटर पास थे और एमए वालों को पढ़ाते थे बनारस यूनिवर्सिटी में, और वे तो पीएचडी नहीं थे, लेकिन उन पर उनके साहित्य पर सैकड़ों विद्यार्थियों ने पीएचडी की है। उन्होंने क्रोध नामक एक निबंध लिखा और उसमें लिखा कि क्रोध और बैर में अंतर क्या है। तो क्रोध के आचार या मुरब्बा को बैर कहते हैं। ये क्या है, ये आचार और मुरब्बा क्या होता है? देखो भाई, आम है, नींबू है, आंवला है, आप फ्रेश खाएं तो वो आम है नींबू है, और उसको सड़ा गला के खाएं तो वो अचार हो जाता है, मुरब्बा हो जाता है, क्या और क्या फर्क है बताइए।
जब तक उसमें अनंत जीव ना पड़ जाए जब तक मजा ही नहीं आता है। ऐसे ही किसी ने आपको कुछ भला बुरा कहा और आपने तत्काल रिएक्शन करके ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया तो उसे हम कहेंगे क्रोध। लेकिन आपने ये देखा कि ये चार लोग हैं, मैं अकेला हूँ, यदि मैंने अभी कुछ गड़बड़ की तो अभी तो इसने गालियाँ बकी हैं, अब पिटाई भी हो सकती है। अंदर से बहुत बुरा लगने पर भी, भाई साहब बात क्या है, आप नाराज क्यों हो रहे, नाराज क्यों, भाई साहब बात क्या है, बहुत नम्र शब्दों में भाई साहब करके बोलता है ना, और समझता है कि किसी तरह अभी समय निकाल दो फिर देखूंगा जब मौका आएगा। जब जे अकेला होगा और हम तैयारी के साथ चार जने होंगे तब इससे निबट लेंगे। तो हमने क्या किया कि उस क्रोध को अंदर दबा दिया, दबा कर फिर वो सड़ा गला और बैर बन जाता है। यद्यपि बाहर से देखने पर बैर क्रोध से कम खतरनाक लगता है क्योंकि उसमें उत्तेजना नहीं दिखती है, वो गालियां नहीं बकता है, हैं? लेकिन प्लानिंग से काम करता है। इनकम टैक्स ऑफिसर को लिख दो, इसकी फैक्ट्री में आग लगा दो, क्यों, दो आदमियों को भिड़ा दो, यानी वो ऐसी प्लानिंग करता है कि बाहर से तो मीठी मीठी बोलता रहता है और अंदर से प्लानिंग करता है उसके नुकसान करने का। पर भाई साहब प्लानिंग से किया गया विनाश तत्काल के क्रोध से ज़्यादा खतरनाक होता है। तो वो बैर भी एक क्रोध का ही रूप है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो जो क्रोध को छिपा के उसने रखा है ना, तो कहाँ रखा है, अपने हृदय में। अपन सारी दुनिया जानती है क्रोध तो आग है, और आग को आप जहाँ रखेंगे सबसे पहले वो उसे जलाएगी। आप अपनी जेब में रखेंगे तो आपकी जेब पहले जलेगी। तो जब वो क्रोध को अपने हृदय में रखता है तो उस सामने वाले का बुरा तब होगा तब होगा, लेकिन उसको जलन 24 घंटा अंदर से होती है। ख्याल में नहीं ना, अरे भाई उसका भला बुरा जब मौका लगेगा, ये मौका लगना इतना आसान थोड़ी है, उसका महापाप का उदय आए क्यों, तब तो मौका लगे है? और ऐसा नहीं आवे समय तो हो सकता सारी जिंदगी निकल जाए, तुझे ऐसा मौका मिले ही नहीं कि तू उसका बुरा कर सके, हो सकता है ना, लेकिन तेरा बुरा तो 24 घंटे हो रहा है। इसलिए ये बैर आत्मा का क्रोध से भी ज्यादा अहित करने वाला एक वस्तु है, जो एक क्रोध का ही रूप है। और भी अनेक रूप हैं, झल्लाहट, चिड़चिड़ाहट, ये क्रोध के ही तो छोटे मोटे रूप हैं। जब कोई किसी बात पर हमें गुस्सा आता है लेकिन हम किस कुछ कुछ करने की हालत में नहीं होते हैं, घर में हमारी चलती ही नहीं है, माताओं बहनों में ज़्यादा होता है ना, बात बात में झल्लाने लगती हैं, बात बात में कोई बात करो तो सीधे मुँह बात ही नहीं करती हैं, क्यों, कभी हो क्या गया है, मैं तो कोई ऐसी बात अभी कही नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या पता वो कहाँ का गुस्सा कहाँ निकल रहा है, क्यों। बुढ़े लोगों में चिड़चिड़ाहट, चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, उसका क्या मतलब, वो क्रोध का ही एक रूप है, क्या उनसे कुछ होता तो है नहीं, समाज में, देश में, घर में उनकी चलती तो है नहीं, तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो अब आप देखिए क्रोध कितने कितने रूपों में हमारे अंदर विद्यमान है, उसकी हमने सही पकड़ नहीं कर पाई तो उसे हम निकालेंगे कैसे। यद्यपि हमारे पूजनकार ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, है ना, आता ना पूजन करेंगे आप रोजाना तो उसमें आता ना, गाली सुन मन खेद न जानो, क्या अर्थ है इसका,
कि सामने वाला गाली देवे तो तुम्हारे मन में भी खेद नहीं होना चाहिए। माने अगर हम तो उन लोगों में से हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, उसके मुंह से गाली निकलेगी तो हम ये हालत कर देंगे कि द्वारा वो गाली देने लायक रहेगा ही नहीं, बोलते कि नहीं बोलते। आचार्य कहते हैं कि उसका नाम उत्तम क्षमा नहीं है, वो गाली देवे तो गाली के बदले में हम उसे चांटा मारें तो एक काया की विकृति है, समझे ना। और गाली सुनकर गाली देवे तो ये वचन की विकृति है, और गाली सुनकर मन में खेद लावे तो ये मन की विकृति है। वो कहते हैं कि सामने वाले ने गाली दी तो तेरे बदले में चांटा भी नहीं मारना, गाली का जवाब गाली से भी नहीं देना, और मन में भी खेद खिन्न नहीं होना, इसका नाम उत्तम क्षमा है। ख्याल में है ना, अंतर है ना। गाली सुने मन खेद न आने, ऐसे तो बहुत लोग हैं कि जिन्हें गालियां देने वाले हैं और वे ताकतवर हैं, ख्याल में है ना, तो चुप रहते हैं, कुछ भी रिएक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन मन में तो खेद खिन्न हो जाते हैं ना। लेकिन मन में भी खेद खिन्न नहीं होना, ये क्रोधी की एक विचित्र प्रकृति है। अब ना क्रोधी को अंधा कहा जाता, क्रोधांध कहा जाता ना। क्यों कहा जाता? क्योंकि इसकी आदत दूसरों की तरफ देखना ही होता है, उसे अपनी गलती कभी समझ में आती ही नहीं। अभी एक कांच का गिलास रखा था, वो सेठ जी की पैर की ठोकर से फूट गया, तो सेठ जी चिल्लाते हैं किस नालायक ने यहाँ गिलास रखा था। अरे पैर की ठोकर तो तुमने दी है, देख के नहीं चल सकते थे, अब रखने वाले को खोजते हो, उस पर गुस्सा करते हो, क्यों? यदि कोई कहे कि एक गिलास तो आपने ही रखा था सेठ जी, तो वो कहते हैं तुम उठा नहीं सकते थे क्या? नौकर के पैर की ठोकर से गिलास फूटे तो अंधा है, देख के नहीं चलता है। जब खुद के पैर की ठोकर से फूटा था तब वो अंधे नहीं दिखे, क्यों? खुद नहीं रखा हो वो खुद की पैर की ठोकर से टूटे तो भी नौकर पे चिल्लाएंगे कि तू उठा लेना चाहिए था। मेरे कहने का मतलब यह है कि उसे दूसरों की गलती दिखती है, अपनी गलती दिखती ही नहीं। दूसरों की अपनी गलती दिखे तो गुस्सा नहीं आए, आप समझे ना। वो कांच का गिलास फूटा ना तो पहले किसने फोड़ा, कोई देवता तो आ नहीं गए थे, किसी ने फोड़ा है बताओ, क्या अपने आप फूट गया, मानने को तैयार नहीं होते। फिर नौकरों को डांटते हैं, फिर नौकर जब मना कर देते हैं तो बच्चों से कहते हैं तुमने तो नहीं फोड़ा, बच्चे भी बेचारे सहम जाते हैं, वे भी कहते हैं हमने नहीं फोड़ा। तो फिर पत्नी की तरफ निगाह जाती है तो कहता है कहीं तुमसे तो नहीं फूट गया, स्वर बदल जाता है, वो गिलास फोड़ा से फूट गया हो जाता है, और अपने पे नंबर आए तो जल्दी जल्दी समेटो, हटाओ, साफ करो साफ करो साफ करो, वो मुद्दा ही बदल जाता है। ख्याल में है ना। तो एक क्रोध का जो अंधापन है उसको हमें अपने विवेक से समझ के निर्णय करना पड़ेगा। तो अपनी बात चल रही थी कि गाली सुने मन खेद न आने, यदि हमने ऐसी भी स्थिति प्राप्त कर ली कदाचित। एक व्यक्ति
किसी साधु महाराज के पास दीक्षा देने लेने गया तो उसने कहा कि तुम एक साल मेरे पास रहो शुद्ध तरीके से आश्रम में, और जब मैं तुम्हारी क्षमता और योग्यता देख लूँगा तो मैं तुम्हें दीक्षा अगली दिवाली पर दूंगा। जब दिवाली आने को हुई तो वो तैयार हुआ कि मुझे दीक्षा मिलेगी। तो जब वो दीक्षा लेने गया तो साधु महाराज ने कहा कि जाओ शुद्ध कपड़े पहनो नहा धो करके, और पहन कर एक घड़ा पानी भरो कुएं से निकाल के और वो तुम लेके आओ। ख्याल में है ना? और वहाँ जब वो लेने गया तो जो मैदान साफ करने भंगिन आती थी, भंगिन से उनने कहा कि जब वो आवे तो तुम झाड़ना बंद मत करना। क्या वो बिल्ला बोले कुछ भी करे तुम झाड़ते रहने के। महाराज मैं ऐसा क्यों करूँगी कि मैं कह रहा हूँ ना। बेचारी क्या करती, झाड़ती रही। वे चिल्लाता रहा, इसने नहीं माना। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने एक लात मारी। किसको? भंगिन को। और फिर द्वारा नहाया, फिर द्वारा कपड़े बदले, और फिर वो पानी भर के महाराज के पास पहुंचा और कहा कि मुझे दीक्षा दे दो। तो उन्होंने कहा कि हम गधों को दीक्षा नहीं देते। कि क्या कि अभी तो तुमने दुलत्ती मारना नहीं छोड़ा है, तुम काया की विकृति वाले हो। आप समझ में आए ना? जाओ एक साल और सीखो, सब तपश्चर्या करो, चित्त को पवित्र करो अगली दिवाली पर। फिर अगली दिवाली आई, फिर वही घटना घटी। नहा धो के पानी भर के कलश लाओ भरकर, फिर उस भंगिन से कहा कि देखो अब वो तुम्हें लात नहीं मारेगा, क्योंकि वो जानता है कि फिर एक साल की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन तुम बराबर झाड़ते रहना, रुकना नहीं। क्या ऐसा ही हुआ? उसने लात तो नहीं मारी, लेकिन बकता रहा, तूने मेरा एक साल बिगाड़ दिया था, गालियां देने लगा। ख्याल नहीं ना? फिर भी जाकर के द्वारा नहाया धोया लेकर के आया और कहा महाराज मुझे दीक्षा दे दो अब। तो उनने कहा कि हम कुत्तों को दीक्षा नहीं देते, तुमने दुलत्ती मारना तो छोड़ दिया लेकिन अभी भौंकना नहीं छोड़ा। फिर एक साल की मर्यादा बढ़ गई। क्यों? फिर ऐसा ही हुआ, फिर उसने ना तो लात मारी और ना वो बड़बड़ाया, लेकिन मन में ही कुड़मुड़ाता रहा। क्यों? फिर भी उसे दीक्षा नहीं मिली कि अभी तेरा मन शुद्ध नहीं हुआ है, तेरे को गुस्सा बहुत आता, गुस्सा करने वालों को दीक्षा नहीं दी जाती है। अपने कहते ना का वो है ना, कुटिल बचन साधु सहें और से सहा न जाए, आता ना। तो भाई साधुता तो उसका नाम है, उसके लिए कह रहे कौन के गाली सुन मन खेद न आनो। कहते नहीं मैं तो नहीं करूँगा, गाली कोई देता रहेगा ना जवाब दूंगा, ना मुँह से बकूंगा, ना मन में खेद लाऊंगा, लेकिन कोई जो दुर्गुण मेरे में होए ही नहीं और गुण हो, मैं चाय भी नहीं पीता हूँ, और भरी और कोई आगे भरी सभा में कहे कि ये शराब पीते हैं, तब मैं क्या करूँ? तब तो गुस्सा आ ही जाएगा ना। आगे पंक्ति पढ़ो, गुण को ओ गुण कहे बखानो, है तो मेरे में गुण और उसकी जगह ओ गुण बताए, और अकेले में बताए तो बर्दाश्त कर लूं,
बखाने माने व्याख्यान में, भरी सभा में, क्यों? फिर तो बर्दाश्त नहीं होगी, कि नहीं होगी तो उत्तम क्षमा नहीं है। क्या गुण को ओगुण कहे बखानो, अब आगे बढ़े, कहिए बखानो वस्तु छीने, यहीं तक आगे मत बढ़ो। कि अभी वो बकता रहे, व्याख्यान में बकता रहे, हम परवाह नहीं करते हैं, हम तो उन लोगों में से हैं कि हाथी चले और कुत्ते ना भौंकें तो भी कुत्ते नहीं, क्या? और हाथी चले और मुड़ के देखे कुत्तों के भौंकने पे तो वो हाथी नहीं, क्या? ऐसा कह के तूने क्या किया, अपने को हाथी और उनको कुत्ते कहा ना, और क्या चाहता था, सभ्य हो गया ना, सभ्यता पूर्वक गाली दी ना। लेकिन ये तुझे पता नहीं है कि उन्हें कुत्ता बनाने के चक्कर में तू हाथी बन गया, आदमी से पशु तो बन ही गया भले आदमी। वो कहते हैं कि वो मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा, गुण का ओगण व्याख्यान में कहे, बकरा वाले बकते रहें, लेकिन वो मेरी चीज ही छीनने लग जाए, किताबें छीनने लग जाए आगे, क्यों? चश्मा ले जाए, टोपी ले जाए, तब क्या करूं? वस्तु छीने कि चलो ले जाए तो ले जाने दे, तेरे ही भाग की होगी, हम समझेंगे गया, अब दूसरा चश्मा मिलेगा, बिना चश्मा के तो रहेंगे नहीं, अपनी चप्पलें खो जाती हैं, हम तो खुश होते हैं कि 3 महीना पुरानी खोई हैं, अभी ताजी नई आ जाएंगी। वैसे हम 3 महीने पुरानी चप्पलें पहनना बंद करते तो घर के सब लोग लड़ते, क्या इतनी बढ़िया तो है, अभी क्या जरूरत है, लेट क्यों करते हो, क्यों होता है ना। तो वो कहता है कि वो वस्तु छीने तो ले जा, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो बांध है तो हमें बांध दे, क्यों भाई साहब? फिर तो गुस्सा आएगा ही ना, कि आएगा तो फिर तुम उत्तम क्षमा की धारी नहीं हो। कि बांध दे तो बांध दे, हम पड़े रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। कि नहीं बांध के फिर मारे कोड़े से चांटों से, बांध है मारे और बहुविधि करे। ये बहुविधि करे का अर्थ मैं आपको नहीं समझा सकता और आप समझ नहीं सकते, क्यों? तो हम उस बात की कल्पना ही नहीं कर सकते। ये जो जासूस पकड़े जाते हैं ना, और इनसे सत्य उगलवाने के लिए ये जो पुलिस वाले 3rd degree 4th degree सुने होंगे कभी आपने, अपन देख तो सकते ही नहीं, वो ऐसी भयंकर भयंकर तकलीफें उन्हें दें, उसका नाम है बहुविधि करे। बांधे मारे ओ बहुविधि करे, बोलो भाई साहब, कि तब तो गुस्सा आ ही जाएगा ना, कि आ जाएगा तो उत्तम क्षमा नहीं है। लोग कहते हैं बांध जान दो, मार पीट जान दो, आखिर डाकू आते थे पहले, मारते थे पीटते थे, क्यों? कि ना सुबह 6 बजे होने के पहले भाग जाते थे ना, जो कुछ लेते थे ले जाते थे, कि अपने पास घर में भी तो बहुत कुछ बचा रहता था ना, वो घर तो बचा रहता था ना, कम से कम रहने को तो जगह थी, और जो कुछ बचा था 2 रोटियों का इंतजाम तो हो ही जाएगा, और कमा लेंगे, क्यों? बांधे मारे बहुविधि करे तब भी गुस्सा नहीं करे, तो कहते हैं घर ते निकारे। क्या रे, ऐसे भी होते हैं डाकू, वे डाकू जो लूट के ले जाते हैं लेकिन सुबह 6 बजे भाग जाते हैं, उनसे बड़े डाकू होते हैं कौन, कि जो हमारे घर पे कब्जा कर लें और हमें घर से निकाल दें, क्यों? जैसे गुंडे हो गए ना आजकल, कि तुम्हारा मकान किराए से खाली कराना है तो दो हमारे 1 लाख रुपया, सब खाली हो जाएंगे, सबका सामान बाहर फेंक देंगे, क्यों? घर ते निकारे। और ऐसा लिखा है महाकवि पशुदंत ने, कि जब बाहुबली के पास भरत का दूत आया
और उसने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट भरत का आदेश है कि तुम उनके दरबार में हाजिर हो। राजाधिराज भरत का आदेश है। तो बाहुबली ने क्या कहा, वो कभी लिखता है, क्या लिखता है मालूम? तुम जानते हो राजा किसे कहते हैं? राजा की परिभाषा दी है, आपने बहुत परिभाषाएं सुनी होंगी राजा की। अभी आपने वो मद्रास वाला राजा भी की सुनी होगी जो जेल की हवा खा रहा है, लेकिन बाहुबली क्या इनके मुंह से जो निकला ही है राजा की परिभाषा वो सुनो। पुष्यदंत कवि का 63 गुणालंकार बहुत बड़ा एक ग्रंथ है और उसका अपभ्रंश भाषा का हिंदी अनुवाद डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन ने किया है, जो मेरे गुरु थे पीएचडी के, उनकी बेटियां रहती हैं नागपुर में, नागपुर आता हूं तो उनकी याद आ जाती है मेरे को। क्या लिखा उनने, ये लिखा, जो बलबंत चोर सो राणऊ, के बलवान चोर को राजा कहते हैं। राजा की परिभाषा सुनी थी पहले कभी? शास्त्र में लिखी है, 1300 वर्ष पुराना शास्त्र है महाकवि पुष्यदंत का, भारतीय ज्ञानपीठ से छपा है कि बलवान चोर को राजा कहते हैं। वो बेचारे जो डाकू आए थे वे तो कमजोर थे, ने सुबह 6 बजे के पहले भाग क्यों गए? वो राजा नाम का जो डाकू है वो सब छीनता है, हमें घर से भी निकाल देता है, घर पे भी कब्जा कर लेता है। फिर गुस्सा तो आएगा ना, आएगा तो तुम क्षमा नहीं है तो क्या है, निकाल देना तो घर से, जब तक हमारी भुजाओं में ताकत है 2 पैसे कहीं भी कमा खाएंगे, दुनिया तो बड़ी इतनी लंबी चौड़ी, कभी भुजाओं पे तुझे बहुत भरोसा है ना, तो घर ते निकारे तन बेदारे, शरीर को तोड़ डाले, हाथ पैर तोड़ डाले, अब तुम वो कमा के खाने लायक भी नहीं रहोगे बेटे। घर ते निकारे तन बेदारे, बैर जो न तहां धरे, ये नहीं लिखा कि क्रोध जो न तहां करे, क्रोध तो कर ही नहीं सकता, क्यों कि सामने वाला इतना बलवान है कि अभी कुछ मुंह से निकला तो और धुनाई होगी, लेकिन मन में बैर तो धारण कर सकता है कि कभी मेरा मौका लगेगा तो मैं देख लूंगा कि क्या देखेगा तू कि 2 राजाओं को आपस में भिड़ा दूंगा, क्यों कुछ ना कुछ करूंगा, ये खाने में जहर मिला दूंगा, रसोई घर में नौकरी करूंगा जाकर, क्यों बैर धारण कर सकता है वो? तो बैर जो न तहां धरे, देखो भाई साहब, क्रोध किया जाता है और बैर धारण किया जाता है, देखो धरे लिखा ना, क्रोध करे और बैर धारण करे, समझ में आया ना, वो उत्तम क्षमा है भैया। ऐसी तुम्हारी उत्तम क्षमा है तो हम उससे दूरी से हाथ जोड़ते हैं, हमें नहीं चाहिए, घबराओ मत, ये तो साधु संतों के लिए है। क्यों ऐसा, क्यों साहब? साधु संतों के लिए है ना, कि आपने ये कह दी तो हमें बहुत राहत मिली, हम तो समझ रहे थे हमारे लिए कह रहे हो तो हमारे तो पसीना पसीना हो गए थे। क्यों? अरे भैया, साधु संतों के लिए नहीं है, हमारे तुम्हारे लिए है। कैसे? घर ते निकारे, साधुओं के घर होते हैं, वे तो वनवासी होते हैं, वे तो घरबार छोड़ के साधु हुए हैं। क्यों? ये घर ते निकारे, ये जो शब्द है ये बताता है कि घर में रहने वाले गृहस्थों के लिए ये बात कही जा रही है। अपनी भूमिका के अनुसार साधुओं के लिए भी होगी, अपनी भूमिका के अनुसार हमारे लिए भी है, लेकिन हम दूसरे साधुओं पर टाल कर, क्यों, और हम अलग से बचना चाहें
ऐसा कोई रास्ता जैन दर्शन में नहीं है। बैर जो न तहां धरे, तो ये जो व्यवहार, ये भी व्यवहार उत्तम क्षमा की बात है। और ऐसी उत्तम क्षमा एक मिथ्या दृष्टि द्रविलिंगी मुनि के भी हो सकती है, क्योंकि नवमे गृह विवेक में कोई आदमी ऐसा ही नहीं जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि इतना क्रोध कसाय मंद हो गई कि शरीर की चमड़ी उधाड़े और उसमें नमक मिर्च भुसके तो भी आँख का कोया लाल नहीं हो, ऐसी क्रोध को जीता हो। लेकिन यदि वो अपने आत्मा को नहीं जानता है, नौवें गृहविवेक में जाए लेकिन सच्चा धर्म उत्तम क्षमा उसके प्रकट नहीं हुई, क्योंकि सम्यक दर्शन उसके नहीं है। हमारे क्रोध का अभाव किसी लौकिक लाभ की दृष्टि से नहीं होना चाहिए। वे मुनिराज सोचते हैं कि अभी मैं यदि गुस्सा करूंगा तो दीपायन जैसी हालत हो जाएगी, है ना, इसलिए मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये शक्तिशाली है। अब मैं तो क्या हूँ, निहत्था हूँ, ख्याल में ना। ऐसा विचार करके यदि वो शांत रहता है तो वो शांति नहीं है कि वो आत्मा के विचार पूर्वक, तो आत्मा को तो जानता ही नहीं है, विचार क्या करेगा आत्मा का, क्यों? तो आप कहेंगे इतना बड़ा किया फिर भी ये व्यवहार क्षमा रही, क्योंकि ये बाहर के लक्ष्य से सारी बातें हैं। अंदर में हम विचार करें गंभीरता से कि निश्चय उत्तम क्षमा, वास्तविक उत्तम क्षमा क्या है, तो देखो अनंतानुबंधी क्रोध का होना एक क्रोध है, और उसका अभाव होकर जो क्षमा प्रकट होती है वो सम्यक दृष्टि के ही होती है। अनंतानुबंधी कसाय का अभाव सम्यक दृष्टि के ही होती है कि वो इतनी कसाय मंद हो गई। वो कसाय में मंदता व तीव्रता का भेद, उसका नाम लेस्या है, तो उसकी शुक्ल लेस्या हो गई, लेकिन कसाय कम नहीं हुई। कसाय मंद होना अलग बात है और कसाय कम होना माने उसका अभाव होना अलग बात है। अब चारों कसाय, चारों प्रकार का क्रोध है, कौन? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, चारों प्रकार का क्रोध है। अनंतानुबंधी क्रोध के जाने से उत्तम क्षमा प्रकट होती है, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध के जाने से उत्तम क्षमा पल्लवित होती है, प्रत्याख्यानावरण क्रोध के जाने से उत्तम क्षमा वृद्धि को प्राप्त होती है, और संजुलन क्रोध के जाने से उत्तम क्षमा पूर्णता को प्राप्त होती है। अभी हमें पता ही नहीं अनंतानुबंधी क्रोध क्या है, क्यों भाई साहब? तो अभी उसका अभाव कैसे होगा? तो क्या है, लोक में जिसके प्रति हमें अनंत क्रोध होता है उसके साथ हमारे कैसा व्यवहार होता है, जरा विचार करें। अनंत क्रोध माने अनंतानुबंधी क्रोध। एक बाप अपने बेटे से बहुत नाराज हो गया, बहुत नाराज हो गया, और उसने घर से निकाल दिया, अखबार में समाचार निकाल दिया कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, इससे कोई लेन देन करेगा तो मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूँ, और फिर उसकी बात करना भी उससे पसंद नहीं। वो आया कि पापा मेरी बात तो सुनो, जो समझ रहे हो कि मैंने ये गलती की है, मैंने वो गलती नहीं की है, मैं दांत में तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, लेकिन भाई साहब आप सुनो तो मेरी बात। कह नहीं मैं तेरी बात नहीं सुनना चाहता हूँ। चलो ठीक है, आप ये मानते हो कि मैंने गलती की तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है। धक्का, नौकरों से धक्का मार के निकाल दिया, माने उसकी शक्ल नहीं देखना चाहना, उसकी बात नहीं सुनना,
ये काय का लक्षण है? अनंत क्रोध का, हो गया ना। अपन यही कहेंगे भाई बहुत ही ज्यादा क्रोध है इस पर। अब उसका दोस्त आया, वो हमेशा आता था, आया तो आओ आओ भैया तुम बहुत दिनों से नहीं आए, अब क्या बात है, तुम तो घर भूल ही गए हो। उपराओ वही कहे रमेश की अम्मा चाय बनाओ, भला आया है, ऐसा करके ऑर्डर दिया नाश्ता मास्ता बना लाने के लिए। फिर वो उसका बैठो बैठा तो बोलो बेटा काय के लिए आए हो? कहने नहीं काम तो कुछ नहीं है, बस थोड़ी एक सी बात है, थोड़ी सी बात। कि बोलो बोलो क्या बात है, कोई काम हो तो बोलो ना, मैं करूँगा तुम्हारा, ऐसी कोई बात नहीं है। कहने नहीं बात काम कुछ नहीं है, थोड़ी सी बात है। कि बोलो ना कि वो जो आपका रमेश है ना, उसने वो कोई गलती नहीं की। क्या कहा? उसकी बात मत कर, तुझे जो अपनी बात करना हो तो बोल, उसकी बात करेगा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। यानी उसकी बात नहीं सुनना, उसकी शक्ल नहीं देखना, और कोई उसके बारे में बात करे तो उसकी भी बात नहीं सुनना। इसका नाम क्या है? अनंत क्रोध। तो उसने कहा नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा एक मिनट मेरी बात सुन लो, सुन लूँगा, लेकिन उसकी बात मत करना। फिर उसने तरकीब से उसी की बात शुरू करी, नौकर को बुलाया, धक्का मार के निकाल दिया। जब तक अम्मा जी चाय पानी मिठाई मिठाई लेकर के तस्तरी लेके आई, क्यों कहाँ गया? वो रमेश की बात करता था, साले को मैंने निकाल दिया। क्या बोलते? इसका नाम है अनंत क्रोध। अब ये अपना जो भगवान आत्मा है ना, इसकी बात नहीं करना, इसकी बात कोई करे तो उसकी बात नहीं सुनना, इसकी शकल नहीं देखना, इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध है। और ये क्रोध हटे तो असली निश्चय उत्तम क्षमा प्रकट हो। हमने अनादिकाल से इस भगवान आत्मा की ये दुर्दशा कर रखी है कि सारी जगत को देखा, सारी दुनिया की बात सुनी, लेकिन न इसको एक क्षण देखा, न एक समय इसकी बात सुनी, और कोई इसकी बात करने वाला हो तो उसकी बात भी नहीं सुनी। आत्मा फात्मा मेरी सामने नहीं करना, क्यों? तो इसका नाम है अनंतानुबंधी क्रोध। आत्मा के प्रति इतनी अरुचि, श्रीमद ने लिखा द्वेष अरोचक भाव। द्वेष किसे कहते हैं? कि जिसके प्रति अरुचि हो उसका नाम द्वेष है। नहीं नहीं सुनना। मैं एक बात पूछता हूं कि अंजना ने को क्या तकलीफ थी अपनी ससुराल में? एक राजकुमार से शादी हुई थी, घर में खूब नौकर चाकर थे, खाने को माल मसाला था, पहनने को बढ़िया बढ़िया कपड़े थे, गहने थे, छः छः दासियाँ लगी हुई थी उसकी सेवा में। तो कोई तकलीफ थी पवनजय के घर में अंजना को? नहीं थी ना। ये कह रहे नहीं थी, ये नहीं समझ सकते कि माता है बहने जानती हैं। अरे भाई, जिसका पति शादी करके लाया हो और 22 बरस तक जिसने अपनी पत्नी की शक्ल ना देखी हो, उसकी बात ना सुनी हो, उसकी सुध नहीं ली हो, इससे बड़ा दुख और महिलाओं को क्या हो सकता है? बोलो। अब आप कहते कोई दुख नहीं है, क्या करें? सिर्फ 22 बरस, बस उसकी बात नहीं सुनी, उसकी शक्ल नहीं देखी। आपको कहानी तो पूरी मालूम होगी, नहीं तो 2 मिनट में सुना दूं। ऐसे भी लोग होंगे जो कह रहे सुना दो। ये उन भाई साहब की कहानी है जो हनुमान जी के पिताजी थे। हनुमान जी उसी भव से मोक्ष गए हैं, समझे ना, उनके पिताजी थे। उन्होंने एक लड़की को देखा जिसका नाम था अंजना, और देखते ही एकदम अंजना 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 बेहोश हो गए। जब आकर के माँ बाप ने छिटके डाले पानी के, तो अंजना अंजना, बेटा क्या बात है, बात क्या है, चलो खाना पीना खाओ, उठो, पहले अंजना की शादी फिर बाद में खाना पीना। क्यों? कितना गुस्सा आया होगा,
उनके माता पिता को, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका बेटा जाए और किसी लड़की को देखकर और बेहोश हो जाए और फिर आप छटका डाल करके मुँह पे पूछे और वो ऐसा कहे जैसा उनने कहा था, तो आप क्या करेंगे? कैसा उसकी हिम्मत है? मैं तबीयत ठीक कर दूंगा, घर से निकाल दूंगा, संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। आप ज़्यादा समझदार हैं, उनके पिताजी समझदार नहीं थे उनने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा बेटा कोई चिंता की बात नहीं है, अंजना के पिताजी बहुत साधारण राजा हैं, अपन उनसे कई गुने बड़े राजा हैं और तुम सब प्रकार से योग्य हो, पढ़े लिखे हो, होशियार हो, बुद्धिमान हो, वीर हो, योद्धा हो, तो अपना प्रस्ताव जाएगा तो उनकी गलगलियाँ छूटेगी, शादी तुम्हारी अंजना से हो जाएगी, चलो खाना खाओगे? नहीं, खाना बाद में, पहले शादी। आखिरकार खबर भेजी गई, प्रस्ताव स्वीकृत होगा, है हो गया, शादी की डेट फिक्स हो गई, समझ रहे ना? और अब शादी की डेट 2 महीना, कौन देखे 2 महीना का इंतजार। अब उसके वियोग में उसे जाके मिलने के लिए गए, सामने से जाने की तो हिम्मत नहीं हुई, कोई क्या कहेगा। 7 मंजिल पीछे से रस्सा डाल डाल के दीवारों को पकड़ पकड़ करके वो चढ़ के गए और उस अंजना के राजमहल में कमरे में पहुंच गए, वहीं छिप गए। अंजना के पास कुछ सखियां बैठी थीं और वे अंजना की मजाक उड़ा रही थी। क्या उड़ा रही थी मजाक? किसी शास्त्र में मत देखना, मेरे पास पूछने आना कि तूने किस मजनू को पसंद किया, तुझे देखते ही बेहोश हो गया। अरे वाह, तुझे कोई ऐसा ही मिला? अरे इससे तो बनारस का राजकुमार कितना बढ़िया था, कितना वीर है, उसे कर लेती, फला था। ऐसा वो मजाक कर रही थी उनसे और वो बेचारी चुप थी। क्या कहती, मैं आपसे पूछता हूँ? वो सब समझ रही थी, जवाब दे सकती थी, लेकिन जवाब क्या देवे, देने की जरूरत ही नहीं थी। ये भी सुना इसने, इसे बहुत गुस्सा आया कि ये मेरी निंदा कर रही है, मजनू मजनू कह रही है और ये जवाब नहीं दे रही, चुप है, मैं इससे शादी नहीं करी। अरे क्या हो गया? एक महीने कुछ घंटों पहले पागल हो गया था, बेहोश हो गया था शादी करने के लिए, और अब भैया राग को देश में बदलते देर नहीं लगती। ये खेल देखो आप, अब मैं इसे शादी नहीं करूंगा। तो सोचा शादी नहीं करूंगा तो ये आराम से उन राजकुमारों के साथ शादी कर लेगी जिनके ये बता रही थी सखियां, और मौज से रहेगी, इनके किसका क्या बिगड़ेगा, रोता तो मैं ही रहूंगा ना। नहीं, मैं इसे शादी जरूर करूंगा और शादी करके छोड़ दूंगा। हमारी भारतीय महिलाओं में एक दफ़े शादी हो जाए तो दोबारा शादी की बात तो हम सोच भी नहीं सकते थे, अब तो ज़माना बदलता जा रहा है, क्यों? अब फिर ज़िंदगी बाद दूसरी शादी कर नहीं सकेगी, रोएगी ज़िंदगी भर, ये सजा दूंगा मैं, और शादी कर दी। तो चले फिर 22 साल तक उसकी शक्ल नहीं देखी। ये कहानी है, समझे ना, ये कोई साधारण आदमियों की कहानी नहीं है, जिन्हें मोक्ष जाना है उनके बाप की कहानी है भाई साहब। ये राग देश का स्वरूप क्या है तो देखो। तो मैं कह रहा था अंजना को क्या दुख है कि तुम नहीं समझ सकते, ये तो माताएं बहनें ही समझ सकती हैं। तो ऐसे ही कि जिस भगवान आत्मा, समझे ना, ये आत्मा की सुध हमने अनादिकाल से आज तक नहीं ली, उसकी शकल नहीं देखी, उसकी बात नहीं सुनी। हमें आत्मा आवाज़ देता है ना, जब खोटे काम हम करते हैं तो अपना आत्मा रोकता है कि ऐसा मत करो, नर्क में जाना पड़ेगा। रोकता है कि नहीं रोकता कि चुप रह, तू क्या समझे, दुनिया में तो ऐसा चलता ही है, होता कि नहीं होता। हम आत्मा की आवाज़ को कितना ठुकराते हैं, तो आत्मा के प्रति इतनी अरुचि, इसका नाम है अनंतानुबंधी क्रोध। हमने सारी दुनिया से तो अनंत बार माफ़ी मांगी, लेकिन हमने अपने आत्मा से आज तक माफ़ी नहीं मांगी। लोग कहते अपने से भी मांगी जाती है क्या?
अरे तूने अपने आत्मा के प्रति क्या कम अपराध किए हैं? इस तीन लोक के नाथ को तूने दर दर का भिखारी बना दिया है। चाय बिना चले नहीं, बीड़ी बिना चले नहीं, सिगरेट बिना चले नहीं, क्या दुर्दशा कर दी, जरा विचार तो कर दूं। मैं रेल के डिब्बे में बैठा था, पेशाब करने गया, तो वो जो पेशाब करने की जगह होती है ना, वहाँ पर सैकड़ों सिगरेट के ठूंठ पड़े थे। मैंने कहा भैया ये क्या है? बोले आपको मालूम नहीं है? मैंने कहा नहीं, कि वहाँ तो सिगरेट पीना मना है, वहाँ तो पी नहीं सकते हैं। तो लोग आकर के प्यास तो लगती है, यहाँ आके पीते हैं। क्यों पीते हैं? कि नहीं पिए तो लेटरिन नहीं आती, क्या करें। मैंने कहा ये खाने पीने की जगह है? सोचो आप, ये तीन लोग के नाथ की हमने क्या दुर्दशा की है, इसका कितना अपमान किया है, इसके प्रति ये हमारा अनंत क्रोध है भाई साहब। अरे दुनिया को माफ करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार अपने आत्मा को तो माफ कर दो। कि कैसे माफ कर दें? कि उसकी सुध लो, उसको जानो, उसको देखो, उसका ध्यान रखो, उसका ध्यान करो। क्यों? लेकिन उसको भी तो बहुत गुस्सा होगा ना। क्यों हम उसके पास जाएंगे तो फिर वो हमसे आसानी से थोड़ी हमारी। अरे भाई तुम माँ का स्वभाव नहीं समझती हो, है ना। बेटे माँ से कितना ही नाराज हों और कितना ही दुख दें, छोड़ के भाग जाएं, 20 साल तक शकल नहीं दिखाएं, माँ भूखों मरती हो और 20 साल बाद आएं, तो आप जानते हो माँ में और पत्नी में क्या फर्क होता है? बताऊं एक मिनट में। पत्नी के पास आएगा वो अपना पति 20 साल बाद, और माँ के पास भी 20 साल बाद ही आया, भाग गया था ना, तो पत्नी ऐसा मुंह फेर लेगी, देखेगी नहीं उसकी तरफ, फिर बोलेगी तो हजार सुनाएगी, तुम तो वहाँ गुलछले उड़ा रहे थे, हम यहाँ भूखों मर गए, तुम्हें सुध नहीं आई। क्यों? कितनी सुनाएगी तुम कल्पना कर लो। और माँ, बेटा आ गया,